नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा गुप्ता है और मैं एपिक्स कैंसर हॉस्पिटल में एज अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज मैं वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी 31 मई के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहती हूँ। तंबाकू से कैंसर होता है ये सबको मालूम है, लेकिन आम लोगों में ये भ्रांति है कि केवल मुँह, नाक, गले और फेफड़े का ये कैंसर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तंबाकू से लगभग शरीर के हर हिस्से का कैंसर हो सकता है, जैसे कि खाने की नली जिसको कि इसोफेगस कहते हैं, पेट जिसको स्टमक कहते हैं, इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर और एवं बड़ी आंत का भी कैंसर होता है। हर साल लगभग 6 लाख लोग तंबाकू के सेवन करने से मरते हैं। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि तंबाकू में लगभग 4000 ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं। इसमें से 50 केमिकल ऐसे हैं जिनकी पुष्टि हुई है कि वो कैंसर करते हैं। अतः मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि तंबाकू छोड़ें और हर दिन को नो टोबैको डे के रूप में मनाएं। धन्यवाद।